आईपीएल 2023 में आरसीबी का होम ग्राउंड रहेगा बेंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम। और आज इस वीडियो में पांच बड़े आंकड़े चिन्नास्वामी की पिच के आपको बताएंगे, जो कि आपको जरूर देखने चाहिए अगर आप मैच प्रिडिक्शन, विन प्रिडिक्शन या फिर फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो। तो एंड तक वीडियो को देखना, सारे आंकड़े बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने हर आरसीबी और आईपीएल फैन के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा, फटाफट हिट कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, पहला बड़ा आंकड़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पिच के लिए, वो है स्कोरिंग का आंकड़ा। अगर मैं स्कोरिंग के आंकड़े की बात करूं तो अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में चिन्नास्वामी स्टेडियम में कुल 83 मैचेस हुए हैं। इन 83 मैचों में दोस्तों पहले नंबर पर, मतलब पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 33 मैचेस जीते हैं, तो वही चेस करने वाली टीम ने 46 मैचेस जीते हैं। यह आंकड़ा साफ करता है, साफ साफ बताता है कि ये चेस करने के लिए एक ड्रीम मैदान रहने वाला है। मतलब यहां पर जो टीम चेस करेगी वो 55.42% अपने मैचों को जीत लेगी, तो भाई पहले बल्लेबाजी करने वाली जो टीम रहेगी वो सिर्फ 39.76% विन चांस लेकर उतरेगी। और ये आंकड़ा क्यों बना और आखिर क्यों ये चेजिंग ग्राउंड है वो भी समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी चीज है कि यहां पर रात के मैचेस होते हैं और ओस बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है, इसीलिए चेस करने वाली टीम के लिए बल्लेबाजी करना आसान होता है। आरसीबी लखनऊ वाले मैच में हमने देखा निकोलस पूरन उतरे और उनके बल्ले पर बहुत अच्छे से गेंद आ रही थी। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों, ये पिच है, ये पाटा विकेट है, यहां पर ऑलरेडी ही बल्लेबाजों के लिए सब कुछ है, लेकिन शुरुआत में यहां पर हल्की सी गेंदबाजों को मदद मिलती है। मतलब पहली इनिंग में गेंदबाज थोड़े से सफल हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे यहां पर मैच आगे बढ़ता है ये बहुत ज्यादा पाटा होती चली जाती है विकेट, और इसीलिए दूसरी इनिंग में गेंदबाजों को, माफ कीजिए, मदद नहीं मिलती। और इसीलिए यहां पर अगर आप भी भैया मैच और विन प्रिडिक्शन करते हो तो देख लेना, वो टीम जीतेगी जो कि यहां पर चेस करेगी, चांसेस उसके ज्यादा होंगे और उसी टीम पर आप फिर अपनी राय रख सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा बड़ा आंकड़ा जो कि बहुत जरूरी है इस पिच पर, वो है गेंदबाजों का आंकड़ा। आखिर कौन से गेंदबाज यहां पर सफल होते हैं, अब वो जान लेते हैं। आप साइड में भी देख पा रहे होंगे, अगर मैं ऑफ ब्रेक बॉलर्स की बात करूं तो उनका इकोनॉमी रेट 7.6 का है इस पिच पर, तो वही एवरेज 32 का है। अगर मैं बात करूं ऑर्थोडॉक्स बॉलर की तो इनका इकोनॉमी 8.2 का है, एवरेज 30 का है। तेज गेंदबाज का, जो कि बहुत तेज गेंदबाजी फ्यूरियस पेसर्स होते हैं, उनका इकोनॉमी रेट 8.6 का है, एवरेज 27 का है। लेग ब्रेक बॉलर्स का इकोनॉमी रेट 8.4 का है, एवरेज 24 का है। तो वही मीडियम पेसर्स का इकोनॉमी रेट 9.1 का है, एवरेज 31 का है। यह आंकड़ा साफ साफ बताता है दोस्तों कि वो गेंदबाज जो कि मीडियम पेसर्स होते हैं वो यहां पर खूब पिटते हैं, उनका इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा है और एवरेज भी बहुत ज्यादा है। मतलब हर ओवर में उनकी पिटाई भी खूब होती है और उनके विकेट लेने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो वही अगर मैं तेज गेंदबाज और लेग स्पिनर्स की बात करूं तो उनके एवरेज बहुत कम है। कम एवरेज होना ये बताता है कि ज्यादा विकेट लेते हैं, विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इकोनॉमी रेट भी डिसेंट है। मतलब अगर आप फैंटेसी टीम बनाते हैं तो थोड़े से गेंदबाज दिमाग से चूज कर लेना चिन्नास्वामी स्टेडियम में, तेज गेंदबाजों को तरजीह देना। तेज गेंदबाज यहां पर चलते हैं, वो तेज गेंदबाज जो 140 से ज्यादा गति पर गेंदबाजी करते हैं, जैसे कि उमरान मलिक हो गए या फिर अगर बुमराह खेलते हैं तो वो। तो वही लेग ब्रेक बॉलर जैसे यूजी चहल, उनको आप चुन सकते हैं, उनके रिकॉर्ड अच्छे रहे हैं। तो लेग ब्रेक और पेसर्स यहां पर बहुत सफलता दिला सकते हैं। फिर याद दिला दूं, पेसर्स मतलब 140 प्लस की गति वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देख लेते हैं आगे के आंकड़े, लेकिन उससे पहले हमें टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि आईपीएल की तमाम ब्रेकिंग न्यूज, कौन इंजर्ड है, किसको लेकर क्या अपडेट है, कौन खेल रहा है, कौन भारत आया, कौन चला गया और भैया पिच विकेट के क्या हाल है, सब कुछ हम टेलीग्राम पर दे देते हैं। यूट्यूब से पहले सारी ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, बस फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, अभी जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि फिर बता रहा हूं दोस्तों की सारी ब्रेकिंग न्यूज की सारी नोटिफिकेशन आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। देर मत करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बल्लेबाजों के आंकड़ों की, आखिर बल्लेबाजी का यहां पर क्या होता है, किस तरह के बल्लेबाज यहां सफल होते हैं, अब वो देख लेते हैं। अगर मैं दोस्तों चिन्नास्वामी के विकेट की बात करूं तो यहां का जो एवरेज स्कोर है, जो कि अभी तक हमने पूरे इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में देखा है, वो 163.72 का, मतलब लगभग 163-164 रन यहां पर औसतन बनते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों साल 2023 की, तो अभी तक इस साल यहां का एवरेज स्कोर 192 का रहा है। मतलब रीसेंट ईयर्स में ये जो पिच है ये और ज्यादा पाटा हो गई है, यहां पर और ज्यादा रन पड़ते हैं। तो वहीं एवरेज विकेट फॉल यहां पर 6 विकेट हर इनिंग में गिरते ही गिरते हैं। यह आंकड़ा हमें साफ साफ बताता है दोस्तों कि ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और यहां पर दोनों ही टीमों के जो टॉप 3-3 प्लेयर्स होंगे, ओपनर्स और जो नंबर 3 पर उतरते हैं, वो ज्यादातर रन वही हमें बनाकर देंगे, क्योंकि एवरेज विकेट फॉल
सिर्फ 6 विकेट का है और यह आंकड़ा क्लियर कट हमें बता रहा है कि इस साल के आईपीएल में 192 रन का जो औसत स्कोर है वो एक पार स्कोर रहेगा इस पिच पर, मतलब 200 रन यहां हमें बहुत आसानी से बनते हुए दिखेंगे, यहां हमें चेज होते हुए भी 200 रन बड़ी इजीली दिखेंगे। और हर टीम के अगर आप फैंटेसी टीम बनाते हो तो ओपनर्स और नंबर 3 के बल्लेबाज को जरूर लेना क्योंकि मोस्टली रन यही लोग इस पिच पर चिन्नास्वामी में बनाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथा बड़ा आंकड़ा है इंडिविजुअल स्टैट्स। आखिर कौन सा खिलाड़ी यहां पर बहुत सफल रहा है? अगर मैं इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास की बात करूं तो बल्लेबाज के रूप में एज ए बैट्समैन विराट कोहली यहां पर बहुत सफल रहे। विराट कोहली आरसीबी से आते हैं और यहां पर अपने मोस्टली मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं, कुल 77 मैचेस खेले, 2490 रन के करीब बनाए हैं, एवरेज 38 का हो जाता है, स्ट्राइक रेट 140 का हो जाता है और 3 शतक है। मतलब साफ है कि अगर विराट फॉर्म में हो और अगर वो चिन्नास्वामी में खेल रहे हो तो आपकी फैंटेसी टीम का वो कप्तान होना चाहिए या फिर आप उन पर फुल ऑन बैट कर सकते हैं, इतने तगड़े हैं विराट कोहली इस पिच पर। देखो यार, एक तो ये पिच बिल्कुल पाटा विकेट है, पूरी तरीके से बल्लेबाज को फेवर करती है और दूसरा विराट कोहली जैसा बल्लेबाज भी है। तो नेक्स्ट मैच अगर आरसीबी का अगर इस पिच पर हो रहा हो और अगर विराट उस मैच में खेल रहे हो तो आप स्मॉल लीग में कम से कम विराट को कप्तान बना सकते हो क्योंकि ये पिच उनको बहुत भाती है। तो वही अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो यूजी चहल यहां पर सबसे सफल गेंदबाज रहे, अभी तो राजस्थान रॉयल्स में है और इस पिच पर 41 मैचेस युजवेंद्र चहल खेल चुके हैं, 41 मैचों में 51 विकेट निकाल चुके हैं बैंगलोर में, तो वही इनका एवरेज 21 का हो जाता है और इकोनॉमी सिर्फ 7.7 का। दोस्तों यूजी चहल एक लेग ब्रेक बॉलर है और मैंने गेंदबाजी के आंकड़ों में बताया था कि लेग ब्रेक बॉलर यहां पर बहुत सफल हुए हैं और रीजन भी यही है कि यूजी चहल इसी कारण से गेंदबाजी में टॉप पर बैंगलोर की पिच पर बने हुए हैं। तो अगर राजस्थान खेले तो युजवेंद्र चहल यहां पर अच्छे खासे विकेट निकाल कर निकलेंगे, आंकड़े तो यही बता रहे हैं। तो इंडिविजुअल स्टैट्स बताते हैं कि अपर ऑर्डर के बल्लेबाज और लेग ब्रेक बॉलर यहां पर सफल होते हैं। तो वही अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं होम टीम का यहां पर क्या रिकॉर्ड रहा है, मतलब आरसीबी का रिकॉर्ड यहां पर क्या रहा है और यहां से हमें बहुत कुछ पता लगेगा, सिर्फ आरसीबी के बारे में नहीं सभी 10 टीमों के बारे में। देखिए पहले आंकड़े, टोटल 81 मैचेस आरसीबी ने बैंगलोर की इस पिच पर खेले, इन 81 मैचों में आरसीबी सिर्फ 37 मैच जीत पाई है और आरसीबी का विन परसेंटेज 45.6 का है इस मैदान पर। यह आंकड़ा क्लियर कट बताता है दोस्तों कि आरसीबी भले ही बैंगलोर में खेलती हो, भले ही बैंगलोर का खूब सपोर्ट हो आरसीबी को, लेकिन आरसीबी अपने आधे से ज्यादा मैचेस बैंगलोर में हार जाती है, विच प्रूव दैट कि ये उनके लिए किला नहीं है और जो विजिटिंग टीम्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मैचेस जीतती हैं। तो चिन्नास्वामी का स्टेडियम जिस तरह से हम चेन्नई का बोलते हैं या मुंबई का बोलते हैं किला है, वो किला नहीं है और यहाँ पर आपको आईपीएल में भी आप देखेंगे कि जो बाहरी टीमें हैं, जो दूसरी टीम है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मैचेस जीतती हुई दिखेंगी। तो ये थे भैया 5 आंकड़े चिन्नास्वामी स्टेडियम के बारे में, इन 5 आंकड़ों को घोट कर पी लेना जब भी आप चिन्नास्वामी स्टेडियम के बारे में प्रिडिक्शन करते हो, यहाँ पर मैच हो तो उसके बारे में अगर आप फैंटेसी टीम बनाते हो, ये बड़े काम आने वाले। बाकी टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा, अभी तक हिट नहीं किया तो फटाफट कर लो, ऐसे ही कंटेंट देते रहेंगे, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा।